So good morning friends, welcome to PT Classes. Today a very important session for all those who are preparing for dairy technology. Students, this is a BTech in dairy technology, and today I'm going to ask so many questions regarding dairy and products, and there are so many technology based questions are there. I hope this will be fruitful for all those who are preparing for dairy technology things and going in BTech and going for jobs. Yes, so first thing I want to know from you is meaning of dairy technology. Can you please elaborate? डेयरी टेक्नोलॉजी सर एक फूड टेक्नोलॉजी की ब्रांच है सर. इसमें हम मिल्क की इंजीनियरिंग एंड साइंस दोनों से रिलेटेड स्टडी करते हैं. सर मिल्क सर इसमें मिल्क की प्रोसेसिंग से लेके स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग सर पूरी स्टडी इसके अंदर इंक्लूड होती है. वेरी गुड. और पर्टिकुलर मिल्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सर मिल्क इज ए लैक्टियल सिक्रेशन विच इज फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रम एंड ऑब्टेन्ड बाय 2 and 3 हेल्थी मिल्क एनिमल्स. और इसके जो कंपोजिशन है उसमें क्या आता है? सर मिल्क काउ मिल्क में स्पेशली काउ मिल्क कंपोजिशन कंटेंट्स फैट, SNF, वाटर एंड लैक्टोज, मिनरल्स एक्सेट्रा. और व्हाट अबाउट बफेलो मिल्क? सर सेम कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ काउ एंड बफेलो मिल्क आर सेम. ओके, कुछ डिफरेंस होता है कैसे बोलते हैं कि ये? यस सर, सर इसकी जो फैट परसेंटेज है वो बफेलो मिल्क की ज़्यादा होती है एंड काउ मिल्क की कम होती है. बफेलो मिल्क में सर 7 to 11% तक फैट हो सकती है एंड सर वाटर परसेंटेज में भी डिफरेंस है. काउ मिल्क का जो वाटर परसेंटेज है वो 87% होता है एंड जो बफेलो मिल्क का जो वाटर परसेंटेज है वो 82% होता है. ओके, वेरी गुड. आपने बीटेक किया डेयरी टेक्नोलॉजी में, राइट? यस सर. और जेड के थ्रू आप कम्पीट किया था? यस. That's great. So, can you tell me the breeds of cows as well as of buffalo? Yes, sir. बताइए. Cow breeds are sir दो types की breeds होती है. Okay. एक तो sir जिनका मतलब mainly milk producing के लिए use किया जाता है और एक sir जिनका draught and milk दोनों के लिए use किया जाता है. Right. जो milk producing breed है sir वो Red Sindhi, Sahiwal and जो sir दोनों purpose के लिए use की जाती है उसमें sir Thalpakar and Cockerage. जो sir Sahiwal जो है वो sir comparatively ज़्यादा milk produce करती है and जो Thalpakar है वो दोनों के लिए but ये उसके अंदर से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है. एंड व्हाट अबाउट बफेलोस? बफेलोस की भी सर वैरायटीज है, ब्रीड्स है, मुर्रा, कांकरेज एंड सर मेनी अदर्स. ओके, बट फेमस आर दीस टू? यस सर. ओके ओके, मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स ऑफ काउ एंड बफेलो, इसमें से मैक्सिमम कौन देती है? सर मैक्सिमम काउ में तो साहीवाल है, आपने बता दिया. यस सर, एंड बफेलो में मुर्रा. ओके, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताएंगे? यस सर, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक दही, बटर, घी, कंडेंस्ड मिल्क, योगर्ट, मैनी अदर प्रोडक्ट्स सर. ओके, ये सभी डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट्स. हाँ, ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप जानते हैं? यस सर. बताइए. सर ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा लाया गया था. सर ये 1970 में स्टार्ट हुआ था और सर ये 1970 से 1996 तक कंटिन्यू चला था और ये सर 3 stage में हुआ था. और सर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो फार्मर्स को अवेयर करना और सर कस्टमर को सही प्राइस पे मिल्क प्रोड्यूस करवाना. सर ये इसका मेन पर्पज था. ओके, 10th स्टैंडर्ड में आपके परसेंटेज कितने थे? 78% सर. 78, दैट्स वेरी गुड. और व्हाट अबाउट 12th स्टैंडर्ड? 78% सर. ऐसा कैसे, बराबर कैसे रहा? सर इक्वल स्टडी की थी मैंने. वाओ, तो सब्जेक्ट्स तो डिफरेंट थे. यस सर. ओके, अब जब आपने 12th स्टैंडर्ड से 78% स्कोर किए तो जेड के बारे में कैसे सोचा आपने कि मेरे को डेयरी टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए? इंटरेस्ट था आपका कुछ? यस सर, मेरी एक फ्रेंड है सर, उसने भी ये कोर्स किया था जेट के थ्रू. सर उसका एडमिशन हुआ था डेयरी टेक्नोलॉजी में. सर सबसे मेन बात ये है कि सर ये राजस्थान में एक ही कॉलेज है डेयरी का, गवर्नमेंट कॉलेज. तो सर मुझे भी था कि मैं सबसे कुछ अलग करूँ क्योंकि सर बीटेक तो सब करते हैं. सब करते हैं, सही बात है. कोई CS में कर रहा है और आपने बहुत यूनिक करके दिखाया. यस सर. राइट, तो डेयरी के बारे में आपको पहले नॉलेज था क्या कुछ? जितना आप नॉलेज है बहुत अच्छा. नहीं सर, पहले नॉलेज नहीं था बट जाने के बाद में बहुत इम्प्रूवमेंट आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे वहाँ पे. और आपने जैसे ही एक बीटेक कंप्लीट करी आपको जॉब भी मिल गई? यस सर. दैट्स वेरी गुड. तो आपने कितने साल काम किया अभी तक? सर मैंने 2 साल काम किया था. वंडरफुल वंडरफुल. चलिए मैं जानना चाहूँगा आपसे NDDB क्या होता है? सर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाई गई थी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. इसकी स्थापना सर 16 जुलाई 1965 में हुई थी. okay. और सर इसका जो हेडक्वार्टर है वो आनंद गुजरात में है. वंडरफुल. क्या आप मुझे बता सकते हो कि मिल्क की केमिस्ट्री क्या होती है?
सर मिल्क की केमिस्ट्री, सर इसमें सारे कंपोजिशन आ जाएंगे मिल्क की, जैसे सर लाइक प्रोटीन, लैक्टोज, लिपिड्स, सर सबसे रिलेटेड स्टडी मिल्क की केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके ये जो मिल्क है इसका जो कलर होता है, यानी कि इसका जो हम घी वगैरह खाते हैं या इवन मिल्क मैंने देखा है इसके ऊपर जो मलाई वगैरह आती है तो येलोइश होती है थोड़ी सी, इसका रीजन? सर इसके अंदर एक पिगमेंट होता है कैरोटीन, उसकी वजह से सर मिल्क का कलर येलोइश होता है। ओके पास्टराइजेशन ऑफ मिल्क से आप क्या समझती हैं? सर पास्टराइजेशन ऑफ मिल्क एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मिल्क का, क्योंकि सर जो मिल्क के अंदर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर किल हो जाते हैं। सर इसके दो मेथड हैं, LTLT एंड HTST, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है। सर फर्स्ट जो LTLT है वो सर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं मिल्क को, और जो सर HTST है सर उसके अंदर 68 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए मिल्क को गर्म करते हैं, जिससे सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किल हो जाते हैं। वंडरफुल, गुड। देखो आप हमें नॉलेज तो अच्छा दे रही हो, पर मैंने एक बात नोटिस करी है कि आपने सारी बात हमें हिंदी में बताई है। yes. तो हम चाहते हैं कम से कम अपना इंट्रोडक्शन हमें इंग्लिश में दीजिए। सर माय नेम इज निशा। ओके। आई एम फ्रॉम श्री गंगानगर सर, जिसे फूड बास्केट ऑफ राजस्थान से भी जानते हैं। एंड सर माय ग्रेजुएशन डेयरी टेक्नोलॉजी से हुई है। yes. और सर मैंने MPUAT यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है। और सर जो मेरा जॉब एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं थोड़ा इंग्लिश में बोलें आप। Your experience is of which company? Modi Dairy Bikaner. And what are your hobbies? My hobbies are I like to interacting with new personalities and learning from them, and I also like to watching motivational stuffs. Very good. Okay, so definitely you must have some aim of your life. Yes, sir. Okay, you want to go in banking sector. Yes, sir. That's very good. And what about your strengths? Sir, my strengths are that I am optimistic girl and I also like to take challenges. Very good. So it means you know English, yes, right? Sir. Okay, carry on with Hindi itself. हमें आप हिंदी में ही बताइए UST milk क्या होता है? UST milk sir ultra high temperature milk. आप बता रहे थे. Yes sir. Yes please continue. Sir इसमें milk को sir 135 degree पे गर्म करते हैं only 2 to 3 seconds के लिए. Okay. Sir इसके जो milk के अंदर जो spores होते हैं वो सारे kill हो जाते हैं और milk की जो storage condition है वो improve हो जाती है. Okay. And what about the word microbiology? देखिए आपको पता होगा milk की microbiology होती है. Yes. तो microbiology से आप क्या समझते हैं? Microbiology means a study of microorganism and related to milk. Okay, okay. Storage temperature कितना होता है milk का? Sir, milk को below 4 degree पे storage करते हैं. Okay. जहाँ आपने job करी थी, आपने किस company में job की थी? Sir, मैंने Modi Dairy Bikaner. तो वहाँ पर भी milk को store वगैरह ऐसा होगा, process वगैरह yes, कुछ? Sir. Yes. Sir. Okay. How to do fat test of milk? फैट टेस्ट सर जिस जो ये मेथड है, इस मेथड का नाम गर्बर मेथड है। ओके okay. सर इसके अंदर ब्यूटेरोमीटर होता है और सर सबसे पहले इसमें 10 ml H2SO4 लेते हैं, देन आफ्टर सर 10.75 ml मिल्क सैंपल लेते हैं एंड 1 ml सर एमाइल अल्कोहल लेते हैं, फिर सर इसको 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर टिल्ट करके उसको मिक्स करके अच्छे से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर सर इसमें एक पैरामीटर होता है वो परसेंटेज बताता है कि आपके मिल्क के अंदर कितना फैट परसेंटेज है, तो उसके अकॉर्डिंग सर मिल्क का फैट पता चलता है। ओके क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डेयरी प्रोसेसिंग का कंप्लीट प्रोसेसिंग क्या है मिल्क का? यस सर बताइए प्लीज। सर मिल्क फार्मर से कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले चिलिंग सेंटर पे जाता है, वहाँ पर सर सारा मिल्क कलेक्ट करने के बाद में मिक्स करते हैं, उसको प्लंजरिंग होती है अच्छे से, प्लंजरिंग के बाद में सर वो लैब के अंदर जाता है, लैब में सर सबसे पहले उसका सेंसरी इवोल्यूशन होता है, देन आफ्टर सर अडल्ट्रेशन टेस्ट होते हैं और फिर सर उसका फैट टेस्ट होता है, फैट टेस्ट के बाद में एसिडिटी टेस्ट होता है, क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग सर डिसाइड किया जाता है कि मिल्क को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। देखिए आपसे मैं पर्सनल पूछना चाहूंगा कि जब आपने जॉब करा तो वहां पर कभी ऐसा हुआ कि एडल्ट्रेशन का केस आया आपके सामने? यस सर। तो क्या आपके हिसाब से लोग क्या डालते हैं जिससे एडल्ट्रेशन करते हैं? देखो एक तो हम तो ये समझते हैं वाटर डालते होंगे, तो कुछ और भी ऐसा होता है जो वो डालते हैं? यस सर। जैसे यूरिया डालते हैं सर, डिटर्जेंट डालते हैं, डिटर्जेंट का तक डाल देते हैं सर, उसका फैट कंटेंट इंक्रीज करने के लिए, SNF बढ़ाने के लिए सर उसमें ये सब एडल्ट्रेशन करते हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा सीवियर है मतलब हमारे लिए, राइट। आई वांट टू नो अबाउट द मिल्किंग मेथड्स, तो कोई एक नाम बता सकते हैं मेथड का, कोई भी एक नाम? हैंड मिल्किंग मेथड। ओके होमोजिनेशन से आप क्या समझते हैं?
होमोजिनेशन सर एक प्रोसेस है मिल्क का, इसके अंदर सर मिल्क के पार्टिकल एक मतलब अलग अलग ना हो, एक मतलब एक साथ जुड़े हुए रहें पार्टिकल, इसलिए सर मिल्क को 70 डिग्री पे गर्म करके उसको एक प्रेशर के साथ एक होल के थ्रू निकाला जाता है मिल्क को, जिससे सारे जो पार्टिकल हैं वो इक्वल साइज के हो जाते हैं, जिससे सर जो मिल्क के ऊपर जो लेयर बनती है, कई बार सर ऊपर ऊपर जो लेयर आ जाती है वो लेयर फॉर्मेशन नहीं होती है उससे। ओके कुछ मेरे को काओ की डिजीजेस बता सकते हो आप? यस सर, बताइए। फूट एंड बोवाइन डिजीज, एंथ्रेक्स। ओके दीज आर द डिजीजेस। ओके आपने डेयरी टेक्नोलॉजी में मेजर सब्जेक्ट्स क्या स्टडी किए थे? सर मेजर सब्जेक्ट्स बायोकेमिस्ट्री ऑफ मिल्क, डेयरी इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड एंड इकोनॉमी ऑफ मिल्क। ओके चलिए कुछ पर्सनल बात हो जाए, आपकी वीकनेस क्या है? सर आई एम लिटिल बिट टॉकेटिव। हाँ बातों नहीं बहुत है। Yes, sir. Oh my God. तो देखिए फिर तो आप बातों नहीं बोलते तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ बातें ही बातें करेंगे, जॉब नहीं करेंगे। नहीं सर मैं मतलब खुद को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती हूँ। वेरी गुड, इसका मतलब वर्सेटाइल है। यस सर, दैट्स वेरी गुड। तो आई थिंक यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स एंड यू कैन इंटरेक्ट विद मोर पर्सनालिटीज आल्सो। यस सर, दैट्स वेरी गुड। चलिए एनडीआरआई से आप क्या समझते हो? NDRI सर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है सर, यहाँ पे मिल्क से रिलेटेड और एनिमल से रिलेटेड सर रिसर्च किए जाते हैं यहाँ। ओके विच वेयर इट इज? हरियाणा। ओके श्योर। यस सर, चलिए मुझे आपका जॉब प्रोफाइल बताइए, आपने 2 years वर्क किया? यस सर। एज ए क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। सिंगल कंपनी? यस सर। ओके फिर आपने आपका प्रोफाइल क्या था बताइए हमें। सर मैंने वहाँ पे एज ए क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव वर्क किया, वहाँ पे सर मेरा जो वर्क था सेंट्रल लैब में था, तो सर वहाँ पे मिल्क के जो सैंपल आते थे उनका सर फैट टेस्ट, एसिडिटी, प्रोटीन टेस्ट, एफ्लाटॉक्सिन, नाइट्रेट टेस्ट, और सर हमारा एक थर्ड पार्टी प्लांट था नेस्ले का, वहाँ पे सर हमारे प्रोडक्ट सेल होते थे, तो वहाँ उसके लिए भी सर हमें जो टेस्ट रिकमेंड किए जाते थे जैसे कि प्रोटीन हो गया, एफ्लाटॉक्सिन, नाइट्रेट, सर वो टेस्ट हम परफॉर्म करते थे वहाँ पे। वेरी गुड। तो आप जब अपना जॉब करते थे तो आपके कितने आवर्स का जॉब था? सर 8 hours का। 8 hours का, राइट। और आपका टोटली क्वालिटी कंट्रोल था टोटली? यस सर। कभी ऐसा होता था कि आप क्वालिटी को पकड़ती थी कि सही नहीं है ये गलत है, ऐसा भी होता था कुछ? यस सर होता था, मतलब सैंपल आते थे जितना मतलब हमारा फिक्स होता था क्राइटेरिया कि इतना मतलब इतने परसेंट के बीच में इतना होना चाहिए। क्या क्या चीज? प्रोटीन परसेंटेज हो गया। ओके कितना होना चाहिए ऑर्डिनरी? 3.3% होता है सर। ओके और इसी रेंज में होना चाहिए, अलग अलग कंपनी का सर अलग अलग क्राइटेरिया होता है, right. तो वो उसके अकॉर्डिंग सर हमें मतलब टेस्ट करके बताना होता था कि इतना है या नहीं है। ओके आप बता सकते हो कि आपकी कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन थे? सर कॉम्पिटिटर्स अमूल, सरस। वेरी राइट right. yes. तो अमूल की फुल फॉर्म जानते हो आप? यस सर, बताइए। आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड। ओके चलिए मुझे बताइए कि लैक्टोज इनटॉलरेंस से आप क्या समझती हैं? लैक्टोज इनटॉलरेंस सर एक प्रॉब्लम है, ये पर्सन्स में होती है सर, किसी को डाइजेशन मिल्क डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो सर वो मिल्क को डायरेक्टली कंजप्शन नहीं कर सकते हैं मिल्क right. का सर, वो या तो योगर्ट में या दही में उसको यूज में लेते हैं, क्योंकि सर जो दही है उसके अंदर से जो लैक्टोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ओके वेरी गुड, यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। मैंने जितने भी आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए थे वो ऑलमोस्ट आपने मुझे सारे ही बता दिए। और कैरोटीन क्या चीज होती है? ये क्या पिगमेंट? यस ये ही येलोइश कलर में। ओके ओके और इसका कोई फोटोसिंथेसिस से भी कोई रोल रहता है? यस सर, कैरोटीन पिगमेंट है जो मेनली सर इसका फोटोसिंथेसिस में फंक्शन है इसका। ओके ओके चलिए मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चंस पुट अप किए बहुत अच्छा रहा, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? फेवरेट सब्जेक्ट सर मैथ। मैथ्स? यस। ओह माय गॉड, तो फिर आप इस फील्ड में जैसे आप मैथ्स की तरफ रुझान नहीं बनाया, आपने सोचा नहीं कभी कि मैथ्स के अंदर मैं अपना करियर बनाऊं? सर इसमें भी मेरे मैथ्स का बहुत ज्यादा यूज था, क्योंकि सर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैथ्स बेस्ड ही होते हैं। ओके 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 तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते थे आपके? यस सर। ओके किस टाइप के न्यूमेरिकल्स, कोई एग्जांपल्स? सर जैसे फैट का परसेंटेज निकालना हो right. तो सर उसमें भी मैथ्स का यूज होता है। ओके एंड सर प्रोटीन आपने बताया? यस सर। यस यस तो ऑल दिस न्यूमेरिकल्स को यूज करते हुए yes. आप अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करती थी? यस सर। और हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेशन सब में सर मैथ्स का यूज तो है ही, हर जगह पे है। राइट चलिए मान लीजिए कि इस इंटरव्यू के दौरान मैं आपसे बोल दूं कि हमारे पास और भी बहुत सी गर्ल्स है जो हो सकता है आपसे ज्यादा हायर स्टडी हो, आप बीटेक हो सकता है वो एमटेक हो या आपके बराबर की हो, तो फिर मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं, मैं उनको क्यों ना करूं इस जॉब के लिए? सर
अभी सर इस टाइम पे मैं खुद को उनसे कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सर वो भी सब अपने आप में परफेक्ट होते हैं. बट सर मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि सर मैं एक डेडिकेटेड गर्ल हूँ. मुझे सर जो भी टास्क मिलता है मैं उसको 100% उसमें अपना 100% देती हूँ. उसको कंप्लीट करने के लिए उसको मैं सर एज ए चैलेंज समझ के अपना 100% देती हूँ. एंड सर मैं एक वर्सेटाइल नेचर की हूँ, मैं हर कहीं पे अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ. इसलिए सर मैं चाहूँगी कि आप मेरे को एक चांस दें जिससे मैं अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकूँ. जरूर देंगे हम आपको एक चांस. हम जानना चाहेंगे, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जॉब की वजह से आपको बाहर जाना पड़ेगा. yes. तो आप बाहर एडजस्ट कर लोगे? यस सर. कैसे? सर मेरी जो एजुकेशन है वो सर बाहर से हुई है, उदयपुर से मैंने बीटेक की है. okay. तो सर अब मेरे को वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो सर मुझे लगता है कि मुझे अब प्रॉब्लम नहीं होने वाली. और सर जो मेरी ट्रेनिंग है वो भी 6 months की बाहर पालनपुर गुजरात से हुई है. तो सर, और इस जॉब के लिए भी शायद आप 2 साल बाहर ही रहे थे. yes, sir. तो वेल एंड गुड है. इसका मतलब आप कह सकते हैं सर आई डोंट हैव होम सिकनेस, मेरे अंदर नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे लिए कश्मीर टू कन्याकुमारी बिल्कुल सेम है सर. राइट right? और आप वर्सेटाइल ऑलरेडी हैं, एमिएबल नेचर की और बातों नहीं बोलते सबसे बड़ी बात है. राइट right? तो ऑब्वियसली कि आप फ्रेंड सर्कल वगैरह एनवायरनमेंट बना लोगी जहां भी आप चाहोगी. राइट सो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस थे ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहेंगे, दोज हु आर गोइंग इन डेयरी टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दिस थिंग्स. सो वी आर थैंकफुल टू यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. ओके स्टूडेंट, दिस वॉज जस्ट अ मॉक सेशन ताकि हमारे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट बने. थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेशन. थैंक यू. थैंक यू.